हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन सेज फॉर द फॉलोइंग पैरेलल चेन रिएक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ ए इन मिनट्स गिवन दैट बीटी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी इज 16 बाय 9 और यहां पे हमें ये आ, हमारा पैरेलल रिएक्शन है वेयर के1 की वैल्यू तो हमें पता है और यहां पे ए ए व्हेन यू कन्वर्ट्स Into 3C, इसकी हम um, uh, जो रेट कांस्टेंट है वो के टू एज्यूम कर लेते हैं हमें के टू की वैल्यू नहीं पता तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें के टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ओवरऑल हमारा जो रेट हो जाएगा वो कैसा क्या हो जाएगा के टू हो जाएगा राइट सो की कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट इट इज अ केस ऑफ इट इज अ केस ऑफ पैरेलल एलिमेंट्री रिएक्शन पैरेलल एलिमेंट्री फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू के वन इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ़ सी एट टाइम टी इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के टू इनटू के टू अस्सुम कर लो एंड कंसेंट्रेशन ऑफ़ ए एट टाइम टी ये हो जाएगा अब यहाँ पे जब हम इसका रेशो लेंगे व्हेन यू टेक द रेशो बी टी अपॉन सी टी ये कितना आ जाएगा के वन अपॉन के टू एटी अपॉन ए अब ए टी से तो ए टी कैंसिल हो गया बी टी अपन सी टी जो आपका कंसनट्रेशन uh, है उसका रेशो कितना है सिक्सटीन बाय नाइन इज इक्वल्स टू के वन की वैल्यू है टू इन टू टेन रेस टू द पार माइनस थ्री सेकेंड इन्वर्स डिवाइडेड बाय के टू अब यहाँ पे आप सोचोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही क्यों अज्यूम हैं क्योंकि आपका जो रेट कांस्टेंट है वो आपका सेकेंड इन्वर्स में गिवेन है तो सेकेंड इन्वर्स में रेट कॉन्स्टेंट कब होता है जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ठीक है इस वजह से तो यहाँ से के टू कितना आ जाएगा यहाँ से कैंसल आउट कर लो ये एट सो so हमारा के टू आ गया नाइन बाय एट इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स यहाँ पे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ कैसे लिखते हैं टी हाफ होता है जीरो पॉइंट नाइन थ्री डिवाइडेड बाय के ये आता है ठीक है अब यहाँ पे के क्या हो जाएगा के हमारा ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट के वन प्लस के टू हो जाएगा के वन है टू इंटू टेन टू दर माइनस थ्री के टू आया नाइन बाई एट इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस थ्री सेकेंड इनवर्स सो के विल बी इक्वल्स टू सिक्सटीन इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस थ्री प्लस नाइन इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एट तो यहाँ से हमारे पास आ गया ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेज टू द पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एट सेकेंड इनवर्स ये आ गई के की वैल्यू सो टी हाफ हमारा कितना आ जाएगा टी इक्वल्स टू जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा इन टू टेन रेज टू दार माइनस थ्री ये आ जाएगा तो so, यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमारा आंसर आ रहा है टू ट्वेंटी 7, तो ये किससे मैच कर रहा है चेकआउट करो ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ दिस ठीक है यहाँ से अगर हम के वन प्लस के टू करें तो ये आ रहा है आपका ट्वेंटी फाइव बाई एट इन टू टेन डेज टू माइनस थ्री राइट ट्वेंटी फाइव बाई एट का मतलब क्या हुआ ये आंसर आंसर आ गया आपका तो तो पे 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 हमें confusion हो जाता है 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 और कई बच्चे क्या कर देते देते uh, देते हैं कि जो है वो है, तो वो लगा देते हैं हैं लगा लगा कि जो वो वो उट करो ये सेकंड इनवर्स में है यूनिट और ये रेट कॉन्स्टेंट है हमें यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है ओवरऑल वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ इन मिनट्स हाफ लाइफ इन मिनट्स में पूछ रहे हैं राइट तो ये आया है तो ये हमारा आंसर सेकेंड्स में आया है राइट right? तो सेकेंड्स में आया है तो हमें पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट विथ 60 ठीक है तो जो हमारा आंसर आया है 221.76 उसको डिवाइड कर देंगे 60 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3.69 समथिंग आ जाएगा तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.69 मिनट्स ठीक है ये मिनट्स में ये आया आंसर तो इसलिए एक्साइटमेंट में जल्दी से कुछ भी आंसर नहीं कर देना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में मेंशन किया है मिनट्स में तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स नाइन तो विच इज नियरली इक्वल्स टू हम थ्री पॉइंट सिक्स के बोल सकते हैं क्योंकि थ्री पॉइंट सेवन तो गिवन नहीं है आपका तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स नाइन सी ऑप्शन विच इज द क्लोजेस्ट आंसर आप डी भी डी मार्क नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे मतलब कि थ्री पॉइंट सिक्स नाइन है और थ्री पॉइंट सिक्स है ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो सी आंसर मार्क कर सकते हो सी आंसर हो सकता है ठीक है सो so, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी इज द फाइनल आंसर होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक